एनटीवी टाइम, जनता की बात, जनता के साथ। 10 अगस्त को रक्षाबंधन विशेष उत्सव, उमंग से पतंग फाउंडेशन ने नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। अहमदाबाद उमंग से पतंग फाउंडेशन की संस्थापक और निर्देशक श्री अश्मिता ठक्कर और पतंग होटल के मालिक उमंग ठक्कर द्वारा नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट के बच्चों के लिए रक्षाबंधन विशेष उत्सव के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन पतंग होटल एलिस ब्रिज में किया गया। समाज के लिए हमेशा उपयोगी और प्रेरणादायक कार्य करने वाले उमंग से पतंग फाउंडेशन के संस्थापक और निर्देशक श्री अस्मिता ठक्कर और पतंग होटल के मालिक श्री उमंग ठक्कर द्वारा एक अनूठी सामाजिक पहल की गई। पतंग होटल द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत वे एक एनजीओ की मदद से हर हफ्ते 50 गरीब बच्चों को पतंग में नाश्ता कराने के लिए ला रहे, ताकि ये बच्चे ऊंचाई से अहमदाबाद के नजारे का आनंद ले सके। ऐसे में अहमदाबाद की आन बान और शान माने जाने वाले होटल पतंग में नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर उनके जीवन में उत्साह भर दिया गया। नमस्ते, मेरा नाम है अस्मिता नील ठक्कर। I am the founder of Umang Se Patang Foundation. So the main intention of this NGO, जो हमने start किया था, उसका main उद्देश्य है कि we not only provide nutrition and educational material to underprivileged children, but also senior citizens and mainly individuals who cannot afford a healthy and holistic lifestyle. We try our best to provide such individuals and children monthly and every week substances and resources जो उनको ज़रूरत पड़ेंगे for education and things that are useful for senior citizens for their livelihoods. और almost every week or once in 2 weeks we invite such organizations, अलग अलग NGOs जो underprivileged children हैं उनको हम invite करके we give them a tour of our museum and a fine dining holistic experience in Patang. So आज जो event है वो है नवजीवन फाउंडेशन। दीज चिल्ड्रन आर अबाउट 50 चिल्ड्रन जो आज आए हुए हैं एंड दे आर ऑल मेंटली डिसेबल्ड। सो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर अस टू होस्ट देम एंड इनवाइट देम एंड प्रोवाइड देम विद अ वेरी होलिस्टिक एंड होलसम मील एट पतंग। सो यूजुअली जैसे हमारे NGOs में हम इनवाइट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं उनको, वी गिव देम होल इंट्रोडक्शन ऑफ आवर NGO, देन हम उनको हमारे म्यूजियम का टूर देते हैं, वी एक्सप्लेन देम द रिच हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ गुजरात एंड अहमदाबाद दैट इज़ डिस्प्लेड इन आवर म्यूजियम। उसके बाद हम उनको ऊपर पतंग रेस्टोरेंट में जाके वी प्रोवाइड देम विद न्यूट्रिशियस एंड होलिस्टिक मील्स। एंड उसके बाद हम उनको जो उनके एजुकेशन के लिए यूज़फुल होने के सब्सटेंसेस और रिसोर्सेज है उनको वो प्रोवाइड करते हैं। अभी आने वाले दिनों में रक्षाबंधन आने वाली है, तो उसका किस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं? सो टुडे लाइक जैसे मैंने आपको मेंशन किया, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ चाइल्ड इज़ एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग अ चाइल्ड द राइट सब्सटेंसेज एंड रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन इज़ अटमोस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू मी। सो टुडे वी आर गोना सेलिब्रेट बाय गिफ्टिंग देम दोज टाइप ऑफ रिसोर्सेज। थैंक यू। सो जैसे कि माई बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम साइकोलॉजी एंड आई बिलीव दैट वेन एवर वी हियर आर एल्डर्स, जैसे कि हमारे फैमिली में अराउंड अस द एल्डर्स ऑलवेज टेल अस कि एजुकेशन इज़ प्रायोरिटी, एजुकेशन इज़ द मोस्ट प्राइमरी थिंग।